Hey guys, what's up? I am back with another new video. आज हम दोबारा से खेलने वाले क्रिकेट 19 का कैरियर मोड बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताया था भाई आपका प्लेयर का बाल लेकर आओ, उसका सेंचुरी कंप्लीट हो गया। लिटरली बता रहा हूँ, मैं भूल गया था जो मेरा प्लेयर का बाल लेकर आना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब आप लोगों का कॉमेंट पढ़ा ना, तब मुड़ को मतलब याद आया, हाँ भाई बाल तो लेकर आना पड़ेगा, मैंने तो बोला था सेंचुरी करने से बाल लेकर आऊंगा। तो सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मेरा प्लेयर का बाल आ चुका है। तो देखो आप यहाँ पर बाल भी आ चुका है एंड मैंने थोड़ा सा बियर्ड का स्टाइल भी चेंज कर दिया, बहुत ही मस्त लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे बाल जैसे मेरा रियल पे भी है, अभी बहुत बड़े बड़े बाल है, तो इसीलिए मैंने मेरे बंदे को भी थोड़ा सा बड़ा बाल दिया एंड बियर्ड दिया। तो देखते हैं आज का मैच क्या होने वाला है। आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोनों कैप्टन यहाँ पर आ चुका है। ओके, वेस्ट इंडीज के साथ मैच है एंड वेस्ट इंडीज का कप्तान है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वर्सेस मी, कौन टॉस जीतेगा भाई? ओके, यहाँ पर मैं टॉस जीत चुका हूँ एंड मैं टॉस जीता हूँ तो मैं क्या लूंगा, बैटिंग लूंगा, क्योंकि मुझे आज डिफेंड करना है, तो इसीलिए मैंने आज बैटिंग दिया। पहला बॉल यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की तरफ से, स्ट्राइक पर मैं हूँ एंड ओके, बॉल अंदर आया था भाई, लेकिन पहला रन यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला जो बटन जरूर दबा देना एंड यहाँ पर एक रन मिलता हुआ इसी के बीच में, यार सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। गेंद यहाँ पर बैकफुट पंच, गैप पे शॉट है, आउटफील्ड बहुत ही फास्ट लग रहा है एंड आउटफील्ड की वजह से यहाँ पर चार रन मिल गया। बहुत ही सही बैकफुट पे पंच किया यहाँ पर मेरे बंदे ने एंड चार रन मिलता हुआ, नाइस शॉट। टच बॉल है यहाँ पर बुमराह का एंड अगेन बैकफुट पंच, अगेन बढ़िया शॉट, अगेन चार रन, आइडियल टाइमिंग। ये देखो दो चच्चा कैसे मतलब बात कर रहा है। वैसे स्टार्टिंग तो मुझे अच्छा मिला, पांच बॉल पे मैंने 11 रन ऑलरेडी बना चुका। इसी के बीच में शानदार शॉट यार, बहुत ही बढ़िया ड्राइव एंड यहाँ पर भी चार रन मिलेगा। गैप पे खेल रहा था तो चार रन मिलेगा। अरे कैमरा मैन बॉल की तरफ थोड़ा सा तो कैमरा घुमा पीछे से, ऐसा यार बोल रहे भाई क्या कर रहे हो यार बोला। दूसरा बॉल शोफर का, नाइस शॉट, मिड विकेट के दिशा में खेला, गैप था इसलिए मैंने फ्लिक करा, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है फील्डर बहुत ही इजीली पकड़ लेगा, लेकिन तीन रन यहाँ पर बहुत ही आराम से हमने चुरा लिया। चौथी बॉल ठाकुर साहब की तरफ से, अरे यार नाइस बॉल अंदर आया, शॉट मिस कर गया। एलबीडब्ल्यू का अपील क्यों नहीं किया पता नहीं, एक बार मैं बी गाय देखना यहाँ पर चाहूंगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा करीबी मामला हो सकता था। पिच आउटसाइड द ऑफ है, इंपैक्ट इन लाइन हुआ है, अच्छा हाइट फैक्टर ओके। पांचवी बॉल शोवर का एंड नाइस शॉट, चार रन जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, कैप पे भी शॉट है, चार रन, पावर प्ले चल रहा है, उसका भरपूर फायदा मैं उठा रहा हूँ। अक्षर पटेल इज हियर, पहला बॉल अक्षर पटेल की तरफ से, रिवर्स स्वीप लेकिन फील्डर है, एक रन मिलना चाहिए ओके, फर्स्ट थ्रो ओके, अरे भाई पांच रन मिल जाएगा मुझे लग रहा है। अरे बेटे तुम तो हेवी फील्डर हो रहे हो भाई, ऐसे पांच रन और भी दिया करो, अच्छा लगता है। तीसरा बॉल है इस ओवर का, फ्लाइटेड बॉल घसीटा मैंने यहाँ पर, स्वीप शॉट खेला, चार रन तो नहीं मिलेगा लेकिन दो रन तीन रन की कोशिश भी मैं करूंगा एंड तीन रन बहुत ही इजिली मिल जाएगा। ये वाला मैच मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कमबैक कर रहा हूँ, दो मैच बाहर था चोट की वजह से। 50 रन का पार्टनरशिप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर भी बढ़िया शॉट, टाइमिंग गुड लेकिन शॉट चॉइस आइडियल, गैप पे शॉट, चार रन मिलता हुआ। भाई मैं तो आज अलग ही मूड पे हूँ भाई, 15 बॉल पे 36 रन ऑलरेडी बना चुका हूँ, कौन मुझे देखकर कोई बता सकता है मैं कमबैक कर रहा हूँ। अगेन गैप पे शॉट, भाई बाय बाय, क्या शानदार बैटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, मुझे देखकर लगता है मैं कमबैक कर रहा हूँ, दो मैच इंजरी के चलते बाहर था, नहीं लग रहा है जैसे मैं अभी शेट होकर ही आया हूँ भाई, कमबैक इनिंग्स ऐसे ही खेलना चाहिए। 45 पे बैटिंग कर रहा हूँ एंड पावर प्ले भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, अक्षर पटेल सीधे बॉल कर रहा है लेकिन यहाँ पर फ्लिक करके मैंने एक रन चुरा लिया। दूसरा बॉल शोफर का एंड नाइस शॉट, दो रन मिलना चाहिए, 48 पे बैटिंग कर रहा था, दो रन मिलेगा तो 50 होगा लेकिन ना, एक ही रन। 49 पे बैटिंग कर रहा हूँ, एक रन चाहिए 50 रन करने के लिए, भाई फ्लिक करके एक रन ले ले, क्या टर्न हुआ भाई। 49 पे बैटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर एंड चौथी बॉल, भाई एक रन चाहिए यार, अरे यार कोई नहीं, भाग 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 भाग, एक रन मिल जा रहा, भाग भाग ओके, अपील भाई आउट है, नहीं आउट है, आई थिंक आउट नहीं है, आई थिंक ओ नॉट आउट, अरे थैंक यू ईशान किशन,
एंड इसी के साथ मेरा 50 रन भी हो गया भाई। बहुत ही करीबी मामला था यार, लेकिन ईशान किशन यहाँ पर बच गया एंड मेरा 50 भी हो गया। सॉरी गाइस, वो ईशान किशन नहीं था, वो ए बाबर था। ईशान किशन बहुत पहले ही आउट हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, वो ए बाबर था। 15 ओवर के बाद 105 पे एंड जसप्रीत बुमराह इज हियर। तो बुमराह को यहाँ पर शॉर्ट हैंड से खेल के 1 रन मैंने चुरा लिया। तीसरा बॉल इस ओवर का अंदर आता हुआ बॉल था, बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा ओवर पे कोई भी फील्डर नहीं था एंड यहाँ पर 4 रन। भाई देखो दर्शक कितना खुश लग रहा है, बोल रहा है भाई हमारा प्यारा अर्चित भैया बैटिंग कर रहा है तो खुश तो होगा ही ना। चौथी बॉल इस ओवर का एंड अरे यार क्या क्लासिकल शॉट लगाया, थोड़ा सा वेट किया मैंने, जब गेंद अपने पास आया सिर्फ टाइमिंग किया भाई, शॉट एक बार देखो यार क्या मस्त शॉट लगाया यहाँ पर, सिर्फ टाइमिंग। मुलानी आया है यहाँ पर, मैं रिवर्स स्वीप करने वाला हूँ मुलानी के खिलाफ एंड कनेक्ट तो करा था, शॉट भी अच्छा खेला था लेकिन 4 तो नहीं गया। 2 रन, 2 रन, भाग भाग, 2 रन मिल जाएगा इजी इजी। 18 ओवर के बाद 129 पे 1 है एंड यहाँ पर पहला बॉल इस ओवर का, मैंने स्वीप तो घुमाया, टाइमिंग ओके, तो सिर्फ 2 ही रन मिलेगा, 3 रन की कोशिश नहीं करने वाला हूँ। दूसरा बॉल इस ओवर का एंड नाइस शॉट, 4 रन, चला जा भाई भाई भाई, चला जा चला जा चला जा एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है 4 रन चला जाएगा, यस चला गया। 69 रन पे पहुंच गया, आज तो बहुत ही धमाकेदार इनिंग्स में खेल रहा हूँ एंड यहाँ पर अगेन स्वीप कर दिया, ये भी 4 रन मिलना चाहिए, क्या मिलेगा? जी हाँ मिलेगा, यहाँ पर और 1 4 रन, बेहतरीन शॉट भाई, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट टाइमिंग। 2 बॉल बाकी है इस ओवर में, अगर 2 बॉल में से 1 चौका जाए ना मजा आ जाएगा, लेकिन ना ए वाला बॉल डॉट हो गया। लास्ट बॉल है इस ओवर का एंड नाइस शॉट, लास्ट बॉल पे भी मैंने यहाँ पर स्वीप घुमा दिया, जैसे मैंने बोला था 2 बॉल बाकी है 1 चौका आना चाहिए एंड यहाँ पर लास्ट बॉल पे मार दिया 4 रन। ओके यहाँ पर 2 विकेट गिर चुका है, कोई नहीं मैं अभी भी खड़ा हूँ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बैटिंग अभी मैं कर रहा हूँ, रन भी मैं बना रहा हूँ तो टेंशन नहीं लेने का। इसी के बीच में 2 रन मिल चुका है, 3 रन यहाँ पर इजिली मिल जाएगा, 2 बॉल बाकी है एंड रिवर्स स्वीप बढ़िया कनेक्ट हुआ, आइडियल टाइमिंग, पीछे फील्डर जरूर भाग रहा है, क्या पकड़ पाएगा? मुझे नहीं लग रहा है, ओके पकड़ नहीं पाया एंड यहाँ पर 4 रन, बहुत ही प्यारा से 4 मार दिया। 89 रन पे पहुंच चुका हूँ, तो सिर्फ 11 रन चाहिए 50 रन कंप्लीट करने के लिए। शॉट तो अच्छा लगाया लेकिन पीछे फील्डर है, 2 रन तो नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 रन। हार्दिक पांड्या इज हियर एंड पहला बॉल हार्दिक पांड्या की तरफ से, आराम से शॉट खेला यहाँ पर 1 रन के लिए, 2 रन नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 रन। 94 रन पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ एंड इस ओवर का तीसरा बॉल हल्का हाथ से मैंने खेला, क्योंकि भाई सेंचुरी तो बनता है ना, 1-3 रन चाहिए सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए एंड शॉट तो अच्छा खेला, 4 रन मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं 2 रन तो लूंगा, 3 रन भी भाग सकता हूँ, भागूंगा तो 3 रन यहाँ पर, 3 रन इजिली मिल गया भाई, 4 रन भी मिल जाएगा, भाग के यहाँ पर 4 रन ले लिया, लेकिन सिर्फ 3 रन चाहिए था सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए एंड यहाँ पर मैंने 4 रन ले लिया। तो इसी के साथ यहाँ पर अपना सेंचुरी कंप्लीट करता हुआ 60 बॉल पे, व्हाट ए कमबैक इनिंग्स भाई, इसको बोलता है कमबैक इनिंग्स, जो होगा दिखा जाएगा, मैं अभी उठाने वाला हूँ ठीक है। तीसरा बॉल इस ओवर का, बोल्ड हो गया रे भाई, ओ भाई देखो थोड़ा सा मतलब क्या बताए, बहुत ही बैड लक यहाँ पर, आउट हो गया मैं यहाँ पर 102 रन बना के, शार्दुल ठाकुर ने मुझे बोल्ड कर दिया। गाइस वो वाला बॉल देखो, मैं जिस वाली बॉल पे आउट हुआ थोड़ा सा बेल पे लग के यहाँ पर आउट हो गया, नहीं तो भाई यहाँ पर बच जाता यार, क्या भाई बैड लक यार भाई, ओ भाई बेल पे लग गया, बेल यहाँ पर गिर गया यार, बैड लक मेरा। तो गाइस यहाँ पर मुझे बॉलिंग मिल चुका है, मैंने 23 विकेट लिया 34 मैचेस पे, 23 विकेट बहुत ही कम है भाई, था एंड 255 का टारगेट है, अबे भाई मैंने तो सेंचुरी बनाया, मैंने 102 बनाया एंड 255 ऑल आउट हो गया, शार्दुल ठाकुर 6 विकेट लेकर गया रे भाई, मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया। श्रेयस अय्यर 54 रन बना के बैटिंग कर रहा है, तो श्रेयस अय्यर का विकेट यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मैच हार जाएंगे अब एंड यहाँ पर 2 रन इजिली मिल चुका है श्रेयस को। लास्ट बॉल है इस ओवर का, कम ऑन एक विकेट आ जाए तो मजा आ जाएगा एंड ओ बैक फुट पे जाके 5 किया, डॉट रहेगा। दूसरा ओवर का पहला बॉल यहाँ पर एंड ओ आउट, आउट, अंपायर आउट दे दो भाई, नाइस बॉल था यार, अंपायर नॉट आउट दिया है, मैं एक बार वो देखने वाला हूँ बी गाई, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कड़वी मामला हो सकता था, पिचिंग आउटसाइड द ऑफ है, इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ है, अरे यार। दूसरा बॉल इस ओवर का
शॉट तो बड़ा लगाया पीछे, फील्डर वन टप्पे के बाद फील्डर के पास पहुंचा एंड दो रन इजिली मिल गया। लास्ट बॉल स्टुअर्ट यॉर्कर के साथ मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर श्रेयस अय्यर के सामने एंड ओवर नाइस बॉलिंग। 78 बॉल पे 99 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एंड हमें चाहिए 3 विकेट लेना पड़ेगा। 3 विकेट अगर हम ले पाएंगे तभी मैच जीतेंगे। एंड यहाँ पर नाइस शॉट बैकफुट पे जाके बहुत ही बढ़िया पुल शॉट लगाया, 1 रन मिला सिर्फ। मुलानी स्ट्राइक पर दूसरा बॉल, अगर विकेट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कैच इट। अरे यार मेरा बंदा यहाँ पर खड़े खड़े देख रहा है लेकिन कैच नहीं पकड़ेगा भाई, क्या भाई तू। 8 विकेट गिर गया, मतलब सिर्फ 2 विकेट चाहिए एंड यहाँ पर जसप्रीत बुमराह आ चुका है। अरे यार एच लगा, फील्डर है पकड़। अबे क्या नोब है भाई, 4 रन चला गया यार, मतलब क्या बताए क्या था यार। गाइस यहाँ पर देखो बॉल कहाँ आ रहा है, फील्डर कहाँ जा रहा है भाई, मतलब क्या चौका रोकने का मतलब मन ही नहीं है। 88 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एंड हमें चाहिए 2 विकेट सेट। नाइस बॉलिंग। चौथी बॉल शिवम दुबे स्ट्राइक पर है, शिवम दुबे को यहाँ पर आउट करना बहुत ही जरूरी है लेकिन दुबे बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है। बुम बुम के लिए यहाँ पर मैंने साइड चेंज करके एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तभी भी बुम बुम सॉफ्ट हैंड से बहुत ही बढ़िया शॉट खेल दिया, 1 रन मिलेगा। 2 रन की कोशिश कर रहा है, रन आउट का चांस यहाँ पर नहीं बनेगा। शिवम दुबे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, आउट होने का कोई चांस ही नहीं कर रहा है। शॉट देखो भाई, फील्डर के ऊपर शूट हक के मार दिया, 4 रन यार। शिवम दुबे बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहा है यहाँ पर। शिवम दुबे का यहाँ पर 50 हो गया एंड मैच यहाँ पर पूरा फंस चुका है। 7 ओवर पे 58 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। दुबे बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहा है, उसके साथ जसप्रीत बुमराह भी अच्छा खासा साथ दे रहा है। मैच यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। 6 बॉल पे 15 रन चाहिए एंड मेरे हाथ पे है बॉल एंड सिर्फ 1 विकेट चाहिए हमको मैच जीतने के लिए। एंड शिवम दुबे स्ट्राइक पर पहला बॉल हवा में शॉट, लेकिन नहीं कोई मौजूद नहीं है। 2 रन इजिली यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब 5 बॉल पे 13 रन चाहिए अभी भी। 3 बॉल 11 रन चाहिए, मैच यहाँ पर हो चुका है इंटरेस्टिंग। घुमाया तो है बैट यहाँ पर, पीछे फील्डर मौजूद है भाई, पकड़ लियो यार। 2 रन यहाँ पर ले रहा है, कोई ना बढ़िया गेंदबाजी। लास्ट बॉल 5 रन चाहिए, मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर यॉर्कर, पूरा सटीक यॉर्कर। शॉट लगाया सीधे वाले से पीछे फील्डर, भाई 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 ओके सुपर ओवर होगा क्या या मैच ड्रॉ हो गया? मैच तो यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ओके मैच टाई, सुपर ओवर होगा, मुझे नहीं लग रहा है सुपर ओवर हो गया भाई। यहाँ पर मैच तो मैंने टाई करा लिया यार, लेकिन मेरे को चाहिए था मैच जिताना लेकिन तार नहीं पाया। शार्दुल ठाकुर हुआ है यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच, मेरे ऊपर जिम्मेदारी था। 1 ओवर पे 15 रन डिफेंड नहीं कर पाया ब्रो, मैच क्या बताए टाई हो गया। मैं चाहता था अगर मैं अच्छा बॉल करता तो मैं मैच जिता सकता था, मैं लास्ट ओवर पे आया था मैं, लेकिन कर नहीं पाया। तो गाइज यहाँ पर मुझे इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट के तरफ से ऑफर आया है एंड मैं यहाँ पर केंट के लिए खेलने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर केंट का एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर केंट के लिए खेलूंगा। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट जो मैच आने वाला है वो नॉर्थ जोन के साथ होने वाला है। ईस्ट जोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, वो मैच मैं नेक्स्ट एपिसोड पे खेलना चाहता हूँ। इस वाली एपिसोड में इधर ही खत्म करना चाहता हूँ। मुझे पता है सिर्फ इस वाली एपिसोड पे सिर्फ मैं एक ही मैच कवर किया। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कितना लंबा वीडियो चाहिए, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। मतलब 10 मिनट का वीडियो चाहिए, 20 मिनट का वीडियो चाहिए या आधा घंटा का वीडियो चाहिए। अगर आप लोगों को आधा घंटा का वीडियो चाहिए तो करियर मोड का, तो मैं करियर मोड का आधा घंटा का वीडियो बनाऊंगा। मतलब जितना मैच कवर होगा तो 3-4 मैच तो कवर हो ही जाएगा आधा घंटा के वीडियो में। तो अगर आप बोलोगे आधा घंटा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो मैं आधा घंटा का वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट का ही मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कितना मिनट का वीडियो आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो गाइस इस वाले वीडियो इतना ही, कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना एंड मेरा कमबैक तो बहुत बढ़िया किया था लेकिन फाइनल ओवर में सही से डाल नहीं पाया, दैट्स इट, क्या कर सकता है, कभी कभार हो जाता है, बुरा बोलिंग आज मेरा हुआ लेकिन मैंने सेंचुरी बहुत मस्त लगाया था। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना एंड मेरा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर दबा देना एंड यार लाइक कर दो यार प्लीज यार, लाइक से मोटिवेशन मिलता है तो लाइक कर दो। तो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरा चैनल किसी प्यार एंड सपोर्ट करते रहिए। सो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।